वेलकम बैक टू माई लाइव स्ट्रीमिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज निकला नहीं है धूप, और मेरे ख्याल से हो सकता है बारिश का समय आने वाला है। और क्योंकि कल से मौसम कुछ नॉर्मल है, ठंडा ठंडा, और आज धूप नहीं उगला है, देख सकते हो आप। 10 बज गया लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है, दिख रहा है कि मे भी बारिश हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी, बहुत लंबे समय वेट करने के बाद ये मौसम आया। और पापा मम्मी शायद गए हुए हैं आज कहीं, क्या देखते हैं। आज पापा का ऑफ भी है, नहीं पापा तो हैं घर पे नहीं, तो आज सोचा हूँ इससे आज जिम जाऊँगा शाम को। एक्चुअली कोई आने वाला जिम में, तो साथ में उनको ज्वाइनिंग भी कराना है, इसलिए कि साथ ही चला जाऊँगा जिम। तो अभी फिलहाल तो नहीं जाऊँगा, मतलब शाम को जाऊँगा, है ना। और चलिए जिम तो नहीं जाना, लेकिन अपना मील टाइम भी ख़त्म करते हैं अपन, है ना। मील वगैरह आपको पहले ही ला के रख के जा चुके हैं। दोनों भाइयों का आ चुका मील, और मतलब पहला भाई फ्रूट्स एंड ऑल है क्योंकि नवरात्र है ना। तो अभी मैं सोच रहा था एक स्टार्ट करने के लिए, नहीं कर सकता क्योंकि नवरात्र है, उसकी वजह से थोड़ा बैंड बजा हुआ है मेरा, नहीं तो मैं कब का स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही नवरात्र ख़त्म हुआ ना, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना स्टार्ट करूँगा मैं, मतलब फिर से वही चिकन वगैरह जो पहले डाइट फॉलो करता तो वैसे ही चालू करूँगा, क्योंकि बॉडी के लिए चाहिए भाई, मतलब प्रोटीन वगैरह सही मात्रा में मिलना चाहिए ना, समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैं स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो वो लेकिन मेरे ख्याल 16 के बाद, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा एक बार पूजा अपना, उसके बाद मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। चलो फिलहाल तो अभी यही खा के काम चलाते हैं, बाद में करेंगे स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह, है ना। चलो मिलते हैं भाई। खोल गए तो गाइस फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए, और ये देखिए फ्यूल अप हो रहा है गाड़ी में, के बाद आए और अभी एयर नहीं डला सकती है, देखिए फ्यूल अप हो रहा है साथ में, है ना। क्या सीन है यार, मतलब काफी लंबे समय के बाद इधर अभी हवा देखने के लिए, मतलब हवा भर रहा है कि नहीं भर रहा है करके देख सकते हो। और ये देखिए शेरू रहा है, खड़ा है पूरा, इसकी हालत ख़राब हो रही है, डर रहा है इतना कि पूछो मत। क्या हुआ है शेरू बाबू, इधर आओ, इधर आओ शेरू, हाँ आओ थे। तो चलो गाइस हवा भर के आते। फाइनली गाइस फुल गाड़ी साफ सफाई का काम चल रहा है, ये देखो शेरू, पापा का नंबर मेरा है, हल्का हल्का ही, उसके बाद डीप क्लीनिंग करेंगे भाई साहब, गाड़ी साफ करना ना। गाइस हो गया मेरा काम, मतलब गाड़ी का साफ सफाई, पेट्रोल से लेके एवरीथिंग इज डन। और क्या कर रहा अंगूर के साथ, ये अपने अलग ही खेल में रहता है, क्या खेल रहा है सेरू, हाँ देखो क्या कर रहा है ये, देखो ये पता नहीं क्या है, अंगूर का पत्ता है, अंगूर का वो डंडल है, इसके साथ अलग ही खेल खेल रहा है ये, बदतमीज कहीं का ना। तो ऐ सुनिए ऐ शेरू, सुनिएगा नहीं सुनिएगा भाँ। देखिएगा ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है। चलो फटाफट फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, काफ़ी गंदे हो गए थे यार। सो हे गाइस फाइनली मैं जिम जा रहा हूँ, निकल गया मतलब, और अब शाम के टाइम जिम जा रहा हूँ एकदम 6 o'clock। एक्चुअली सीन होगा कि मॉर्निंग में नहीं गया, कुछ काम था, इसकी वजह से आपको बताया था कोई और भी आने वाला है, तो इस रीज़न की वजह से नहीं गया। ये देखिए अभी निकल रखा हूँ जिम के लिए, सही सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पंगा नहीं है, फटाफट अब जिम में पहुँचते हैं और देखते हैं। शाम के टाइम में भी अलाउड तो है जहाँ तक मुझे लगता है, आई डोंट नो, चलो जिम में जाके पता चल ही जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है, है ना। चलो मिलते हैं फिर। ये देखो बिल्ली कैसे छुप के भाग रही है भाई साहब, हद है यार, मानना पड़ेगा। ये देखो जर्मन शेफर्ड, सही है यार जानवरों से प्यार। भाई ये देखो क्या हो रहा है इधर, सही है यार, कैसे पूजा होता है यहाँ पे देखो। ये
देख सकते हो मेरे पीछे पूजा ऐसे होता है यहाँ पे घर के, नए घर का पूजा होगा आज। और क्या सही पूजा कर रहे हैं, पूरा एकदम काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था इन लोग के पूजा का। तो यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, लग रहा है अभी बिल्डिंग बनने का वो चालू हो गया है, रेंट पे सब जाएंगे पैसे कमाएंगे। चलो जिम जाते जाते पता नहीं कितनी बार देख लेंगे सब लोग क्या क्या दिखने को मिलता है। तो भाई लोग जिम में कोई भी नहीं है, सिर्फ बंदा पीछे कर रहा है। अगर गाइज वी आर बैक फ्रॉम द जिम और अभी रिव्यू ले रहे हैं, बाइक ले लिया नया तो उसका रिव्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। और वो देखिए अंदर वहाँ पे सामान ले रहे हैं, ये एक सर दिखा रहा हूँ, देखो सामान ले रहे हैं, इनका सामान लेना हो जाए फिर होगा अपना काम भाई, फिर होगा अपना काम। चले गए, चलो निकलते हैं भाई साहब। सो गाइज फाइनली रवि भैया ने 125 SP का डिलीवरी ले लिया है सुपरिटेंडेंट पुलिस का। और ये देखो बाइक भाई, सही बाइक है, इसका एक स्लोमो डालता हूँ आप लोग देखो अभी। फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा तो बाइक के बारे में दिखाया नहीं क्योंकि रात हो गया था और अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन कल के वीडियो में ब्लॉग्स में डाल दूँगा कैसा है बाइक, कैसा नहीं है, कैसा मतलब परफॉर्मेंस एंड ऑल सब कुछ डालूंगा मैं कल जो नया वाला बाइक आया। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा झलक देख लीजिए, कल अच्छे से दिखाऊँगा कैसा है कैसा नहीं है, क्या चीज़ है, क्या फंक्शन है, कैसा नहीं, मतलब क्या पिकअप है, क्या माइलेज है, सब कुछ पता चल जाएगा तो कल बताऊँगा अच्छे से। ओके अभी फ़िलहाल तो घर चलते हैं, मम्मी पापा वेट करें खाने पर, वहीं पर मिलते हैं उनसे पहले। तो गाइस पापा लाए आइसक्रीम और वो देखो मम्मी कैसे फुसवा रही हैं सेरू को, और सेरू एकदम कैसे सीधा सीधा एकदम खा रहा है वो। भाई साहब इंसानों के यहाँ पे आइसक्रीम भाई साहब कितना तेज खाता है आइसक्रीम। अरे बाप रे बाप, बाबा बाबा। गाइस फाइनली खाना वाना हो गया यार, काफी थक गया हूँ यार, शाम को जिम जाना ना बहुत आलस का काम है कसम से बता रहा हूँ। सुबह ही ठीक है, सुबह या 11 बजे भी जा सकते हैं उस समय भी ठीक रहता, लेकिन पता नहीं शाम को उतना खास नहीं रहता तो पता नहीं जो भी है। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं, पेन से डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल ब्लॉगिंग बाबा सी, गुड नाइट।